नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के किस जिले में कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? तो देखिए आप, बीकानेर, अपन बीकानेर की बात कर रहे हैं, यानी बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य कत्रियासर में जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है और जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर में डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य, गुड़ला नृत्य, झूमर नृत्य और झांझी नृत्य। एक बार फिर से देखिए, जोधपुर में डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य, गुड़ला नृत्य, झूमर नृत्य, झांझी नृत्य। यानी जोधपुर में जो डांडिया नृत्य हैं वो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, यानी जोधपुर में डांडिया, गरबा, गुड़ला, झूमर, झांझी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, डांडिया, गरबा, गुड़ला, झूमर और झांझी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? यानी जैसलमेर में हिंडोला नृत्य, जैसलमेर में हिंडोला नृत्य, जैसलमेर में हिंडोला नृत्य और तेरह ताली नृत्य। जो हिंडोला नृत्य है जैसलमेर में, जो हिंडोला नृत्य किया जाता है वो दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जैसलमेर में हिंडोला जो नृत्य किया जाता है वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और जो इसके अलावा जो तेरह ताली नृत्य है, जैसलमेर में जो तेरह ताली नृत्य किया जाता है वह कांवड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तेरह ताले कांवड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद बात करेंगे अपन, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। अब बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर में मछली नृत्य किया जाता है। बाड़मेर में मछली नृत्य, कौन सा नृत्य? बाड़मेर में मछली नृत्य किया जाता है। मछली नृत्य बंजारों की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बाड़मेर में मछली नृत्य किया जाता है, जो किसके द्वारा किया जाता है? बंजारों की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद बात करेंगे जालौर की। जालौर, जालौर में ढोल नृत्य किया जाता है। जालौर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य, जालौर में ढोल नृत्य, जालौर में ढोल नृत्य। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन सिरोही की। सिरोही जिले में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? सिरोही जिले में नूर नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, मादल नृत्य। कौन से? लूर, वालर, कूद, मादल। सिरोही में जो लूर नृत्य किया जाता है वो ग्रासिया जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर नृत्य। सेकंड बात करते हैं सिरोही की, यानी सेकंड आए वालर नृत्य। वालर नृत्य बिना ढोल के द्वारा, बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, उसे वालर नृत्य कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है वो है वालर नृत्य। इसके बाद बात करेंगे कूद नृत्य की। कूद नृत्य, कूद नृत्य, मांदल नृत्य। कूद नृत्य ग्रासिय जनजातियों द्वारा किया जाता है और मांदल नृत्य भी ग्रासिय जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में गैर नृत्य, दी चक्री और भवाई नृत्य। उदयपुर में गैर नृत्य, दी चक्री, भवाई नृत्य, यानी गैर नृत्य उसके द्वारा किया जाता है।
गेर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और दी चक्री नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद बवाई नृत्य किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य किया जाता है। झालावाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिंदोरी नृत्य, जो विवाह के उपलक्ष में किया जाता है। अब बात करते हैं बूंदी कोटा बारा। कोटा बूंदी बारा में चक्री नृत्य और शिकारी नृत्य। बूंदी कोटा बारा में चक्री नृत्य और शिकारी नृत्य किया जाता है। जो चक्री नृत्य किया जाता है वो कंजर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो बूंदी कोटा बारा में किया जाता है। इसके बाद देखिए करौली की बात करते हैं। करौली में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। यानी करौली में कौन सा नृत्य किया? लांगुरिया नृत्य, जो मीणा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है और केला देवी के यहाँ पर किया जाता है। लांगुरिया नृत्य करौली में किया जाता है, मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जयपुर। जयपुर में कथक नृत्य और घूमर नृत्य, ठीक है। अब अलवर और भरतपुर की बात करते हैं। अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अलवर में रणबाजा रतवई खारी नृत्य किया जाता है। फिर बात करते हैं चूरू झुंझुन सिकोर यानी सेकावटी क्षेत्र। सेकावटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य, खच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, गेड़ नृत्य, लहु नृत्य और जिंदाद नृत्य और सेंगड़ा नृत्य। यानी सेकावटी में गिद्दड़ नृत्य, खच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, गेड़ नृत्य, लहु नृत्य, जिंदाद नृत्य, सेंगड़ा नृत्य। जो लहु नृत्य है वो अश्लील नृत्य है। कौन सा? अश्लील प्रकार का नृत्य है, ठीक है। अब इसके बाद हम अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में इंडोनी नृत्य, पणिहारी नृत्य, संकरिया नृत्य, बांगड़िया नृत्य और चरी नृत्य। यानी अजमेर में इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बांगड़िया और चरी नृत्य किया जाता है। अजमेर में इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बांगड़िया और चरी नृत्य किया जाता है। और लास्ट बचता है अपने पास राजसमंद। राजसमंद में एकमात्र नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है डांग नृत्य। क्या है उस नृत्य का नाम? डांग नृत्य। दोस्तों इस प्रकार राजस्थान के सभी लोक नृत्य जो भी जिस जिले में किए जाते हैं वो सभी कंप्लीट हो गई हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको पूरे कंप्लीट याद हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।